हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भानीराम डाल। वेलकम बैक इन एग्रीकल्चर सक्सेस भानीराम डाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपने पोमोलॉजी में आज एक इंपॉर्टेंट ही फ्रूट ग्रुप का डिस्कशन करने जा रहे हैं, सिट्रस। देखिए, सबसे पहले जो अपना ये वीडियो है इसके अंदर सिट्रस की जो कॉमन बातें हैं उनका डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट जो वीडियो है उनके नेक्स्ट वीडियो जो उनके अंदर अपने जो अपने यहाँ इंडिया के अंदर कमर्शियल सिट्रस क्रॉप लगाई जाती है उनका डिस्कस करेंगे। अभी इंट्रोडक्टरी सिट्रस की बात करते हैं, यानी जो नींबू वर्गीय फलों की कॉमन बात है, क्योंकि नींबू वर्गीय फल यानी सिट्रस का एक पूरा ग्रुप है, पूरे का पूरा, जिसमें अपने मैंडरिन पढ़ते हैं, स्वीट ऑरेंज, लाइम, लेमन, पोमिलो, ग्रेप फ्रूट, सिट्रॉन्स, कई तरह के फ्रूट होते हैं। काफ़ी बड़ी फैमिली है और वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा फ्रूट के अंडर में एरिया भी आता है वो सिट्रस का ही आता है, और प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में फ्रूट्स का होता है तो सिट्रस का ही होता है। तो सिट्रस अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो आज अपने सिट्रस ग्रुप का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन में चलते हैं। जो जनरली कॉमन कॉमन जो सिट्रस फ्रूट है कमर्शियली जिनका कल्टीवेशन होता है उनके अपने बॉटेनिकल नेम फैमिली की बात करते हैं, थोड़ा सा उनका आइडेंटिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। देखो, जो सिट्रस है वो रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है, यानी जो नींबू वर्गीय फल है उनका जो कुल है वो कौन सा है, रूटेसी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बॉटेनिकल नेम है, यहाँ किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो इसलिए यहाँ साथ में इंग्लिश में दिया, लेकिन मैं हिंदी में प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझ जाएंगे। तो जो सिट्रस है उसकी जो फैमिली है वो कौन सी है, रूटेसी है। ऐसे तो अपने कमर्शियली अगर बात करें कि रूटेसी के मेंबर होते हुए जिनको सिट्रस से बाहर रखा जाता है वो एक तो बील होता है और वुड एप्पल होता है। वैसे बील और वुड एप्पल सेम ही होते हैं, स्पीसीज का डिफरेंस रहता है। तो जो बील और वुड एप्पल है वो रूटेसी के होते हुए भी सिट्रस में नहीं रखे जाते हैं, बाकी जो रूटेसी के कमर्शियली लगाए जाते हैं वो सारे के सारे सिट्रस ग्रुप में आते हैं। तो जो बॉटनिकल नेम है सिट्रस ग्रुप का वो सीधा अपने बोल देते हैं सिट्रस स्पीसीज, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज है। इनमें सबसे पहले है स्वीट ऑरेंज। स्वीट ऑरेंज बोले तो माल्टा, स्वीट ऑरेंज को हिंदी में बोला जाता है माल्टा। माल्टा का बॉटनिकल नेम होता है सिट्रस साइनेंसिस। नेक्स्ट है मैंडरिन। मैंडरिन बोले तो संतरा। संतरे का बॉटनिकल नेम होता है सिट्रस रेटिकुलाटा। नेक्स्ट है ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट को हिंदी में बोलते हैं चकोतरा। चकोतरा को ये बॉटनिकल नेम है सिट्रस पेराडिसी। ग्रेप फ्रूट यानी चकोतरा, चकोतरा का बॉटनिकल नेम है सिट्रस पेराडिसी। एक होता है लाइम, एक होता है लेमन। लेमन का बॉटनिकल नेम होता है सिट्रस लेमन। और जो लाइम है उसमें दो तरह के लाइम आ जाते हैं, एक तो एसिड लाइम होता है, एक स्वीट लाइम होता है। अभी मैं इनका डिफरेंस भी आपको बताऊंगा। एसिड लाइम का बॉटनिकल नेम होता है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया और स्वीट लाइम का बॉटनिकल नेम होता है सिट्रस लाइमेटा या फिर सिट्रस लाइमेटोइडस। नेक्स्ट है पोमिलो। पोमिलो का बॉटनिकल नेम होता है सिट्रस मैक्सिमा या फिर सिट्रस ग्रांडिस भी बोल दिया जाता है। और सिट्रोन जो है इसका बॉटनिकल नेम होता है सिट्रस मेडिका। देखो, इंडिया में ये जनरली आपको कमर्शियली मिल जाएंगे। इनमें भी सबसे ज्यादा जो कमर्शियली मिलेगा तो स्वीट ऑरेंज, मैंडरिन, लाइम और लेमन सबसे ज्यादा मिलते हैं। स्वीट ऑरेंज बोले तो माल्टा को बोला जाता है। ये यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, ये जो डायग्राम है ये माल्टा का डायग्राम है। तो माल्टा इस तरह का फ्रूट होता है, यानी इसका जो अंदर का सिगमेंट होते हैं उनसे छिलका उतारना थोड़ा सा क्या रहता है, मुश्किल होता है। नेक्स्ट है मैंडरिन बोले तो संतरा। इसका बॉटनिकल नेम होता है मैंडरिन संतरे का सिट्रस रेटिकुलाटा। तो जो सिट्रस रेटिकुलाटा है ये है, इससे क्या है अपने जो अंदर के सेगमेंट होते हैं उनसे छिलका इजिली रिमूव कर सकते हैं अपने, तो ये सिट्रस रेटिकुलाटा। इन दोनों को आप अच्छी तरह जानते हो। ग्रेप फ्रूट बोले तो चकोतरा। थोड़ा सा साइज में क्या होगा आपको ये बड़ा मिलेगा। बॉटनिकल नेम है इसका सिट्रस पेराडिसी। ये है, इसका भी अपने पिल थोड़ा रिमूव करना यानी छिलका रिमूव करना मुश्किल होता है। लोग क्या करते हैं इसको ऊपर से काटते हैं, इसके अंदर चीनी डाल के चम्मच से मिला के सीधा ही खा लेते हैं, क्योंकि छिलका इसका थोड़ा मोटा होता है तो आराम से सीधा खाया जाता है, तो इसलिए इसको ब्रेकफास्ट फ्रूट भी कहा जाता है। ग्रेप फ्रूट को ब्रेकफास्ट फ्रूट भी कहा जाता है। नेक्स्ट एक है लेमन, एक है लाइम। जो ओबलोंग अंडाकार शेप का होता है, पीले रंग का मार्केट में बिकता है ये, इसको अपने लेमन बोलेंगे। लाइम होता है वो ये होता है, थोड़ा गोल होता है, इसको देसी नींबू भी बोल देते हैं। अब ये लाइम भी क्या है, दो तरह का मिलेगा आपको, एसिड लाइम और स्वीट लाइम। एसिड बोले तो खट्टा नींबू और स्वीट लाइम बोले तो मीठा नींबू। इनमें देखो दिखने में तो एक जैसे, डिफरेंस क्या होता है, वैसे तो सभी नींबू वर्गीय में ऑलमोस्ट आपको क्या मिलेगा, सिट्रिक एसिड मिलेगा। सभी नींबू वर्गीय फलों में आपको सिट्रिक एसिड मिलता है, लेकिन जो स्वीट लाइम होता है उसमें मैलिक एसिड होता है, और मैलिक एसिड को मीठा एसिड भी कहा जाता है, मीठा अम्ल भी कहा जाता है, स्वीट एसिड भी कहा जाता है। इसलिए अगर इसके अंदर मेलिक एसिड ज्यादा प्रेजेंट है तो अपने स्वीट लाइम बोलेंगे, फिर वो हो जाएगा सिट्रस लाइमेटा या सिट्रस लाइमेटोडस।
और अगर सिट्रिक एसिड ज्यादा प्रेजेंट है तो अपने उसको एसिड लाइम बोल देंगे, फिर बोटनिकल नेम हो जाएगा सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी नींबू वर्गीय फल होते हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड ही होता है। एक तो स्वीट लेमन है, इसमें आपको मेलिक एसिड मिलेगा, एक स्वीट ऑरेंज है, इसमें सिट्रिक एसिड प्लस मेलिक एसिड दोनों ही देखने को मिलता है, इसलिए इसको स्वीट ऑरेंज बोल दिया जाता है। तो अपने बात करते हैं, नेक्स्ट मैं बात करूं पोमिलो। पोमिलो का बोटेनिकल नेम होता है सिट्रस मैक्सिमा या फिर सिट्रस ग्रैंडिस। इसका जो छिलका होता है बहुत मोटा होता है, ये देखिए आप यहाँ पे छिलका बहुत मोटा दिखेगा, ये है पोमिलो। इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है पोमिलो, अगर अपने यूएसए कैलिफोर्निया इधर बात करें तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट है सिट्रॉन, इसको बोलते हैं सिट्रस मेडिका। जो सिट्रस मेडिका जो है इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत होती है और इसको अपने क्लीनरी पर्पज में और मेडिसिनल पर्पज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जूस वगैरह बनाने में भी काम में लिया जाता है। तो ये अपने क्या है मेजर जो कमर्शियल इंडिया में देखने को मिल जाते हैं फ्रूट। बाकी सिट्रस की बात करें तो थर्टी लाइम, थर्टी लाइम का बोटनिकल नेम होता है सिट्रस लेटिफोलिया। कैरेंज की बात करें तो ट्राइफोलिएट ऑरेंज और स्वीट ऑरेंज के क्रॉस से तैयार होता है। सिट्रमुल्ला की बात करें तो ट्राइफोलिएट ऑरेंज और ग्रेपफ्रूट के क्रॉस से तैयार होता है। टैंगोर की बात करें तो मैंडरिन बोले तो संतरा और स्वीट ऑरेंज बोले तो माल्टा, इनके क्रॉस से तैयार किया जाता है। टैंगेलो बोले तो मैंडरिन प्लस ग्रेपफ्रूट से तैयार किया जाता है, मैंडरिन और ग्रेपफ्रूट का क्रॉस यानी संतरा और चकोतरा का क्रॉस करवाया जाता है, ये इस तरह का तैयार होता है। नेक्स्ट है सिट्रेंजर्स, इसमें सिट्रेंज प्लस ट्राइफोलिएट ऑरेंज का क्रॉस करवाया जाता है। और सिसिट्रिस जो है ये है सिट्रेंज प्लस ट्राइफोलिएट ऑरेंज का क्रॉस होता है। तो ये कुछ क्रॉस से तैयार किए हुए भी सिट्रस है यानी नींबू वर्गीय फल है। तो ये अपना जनरल क्या है इनका बोटानिकल नेम और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन बता दी, ये इस तरह के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें फैमिली, पीछे बात की थी सभी सिट्रस की कौन सी फैमिली है, रूटेसी है। क्रोमोजोम नंबर सभी सिट्रस में 2 = 18 होते हैं यानी द्विगुणित 18 होते हैं। अगर आपसे अगुणित पूछ ले या हैप्लोइड क्रोमोजोम नंबर पूछ ले या बेसिक क्रोमोजोम नंबर पूछ ले तो कितने होते हैं 9 होते हैं, n = 9 होते हैं। टाइप ऑफ जो फ्रूट होता है हेस्पेरिडियम होता है यानी इस तरह के सेगमेंट होते हैं इसके अंदर फाइबर में जूस भरा होता है। तो ये इस तरह का जो फ्रूट होता है वो हेस्पेरिडियम, सभी नींबू वर्गीय में फ्रूट टाइप जो होगा वो हेस्पेरिडियम होगा। एडिबल जो पार्ट होता है वो जूसी प्लेसेंटल हर होता है, जो सेगमेंट होते हैं उसके अंदर ऐसे फाइबर से होते हैं उनके अंदर रस भरा होता है उनको जूसी प्लेसेंटल हेयर बोल दिया जाता है। टाइप ऑफ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है यानी होमोगेमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रेट ऑफ रेस्पायरेशन के हिसाब से बात करें तो नॉन क्लाइमेटिक होते हैं, तोड़ के आर्टिफिशियली नहीं पका सकते हैं, पेड़ पे ही पकने के बाद इनको तोड़ा जाता है। टाइप ऑफ बियरिंग हैबिट, मिक्स बियरिंग पाई जाती है। मिक्स बियरिंग का मतलब होता है नई पुरानी मतलब टर्मिनल और एक्जलरी दोनों जगह ही फ्लावरिंग देखने को मिलती है यानी शीर्षत और कक्षत नई और पुरानी सभी शाखाओं पे फूल देखते हैं तो उसको मिक्स बियरिंग कहते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें ओरिजिन पैलेस की, कौन से की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो लाइम और लेमन की जो उत्पत्ति है वो इंडिया की मानी जाती है। लाइम और लेमन का ओरिजिन पैलेस है इंडिया। मैंडरिन बोले संतरा, संतरा का ओरिजिन है साउथ चाइना यानी दक्षिणी चीन। स्वीट ऑरेंज, माल्टा की बात करें तो उत्पत्ति स्थल है माल्टा का चाइना चीन। और पोमिलो की अगर बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया है इसका उत्पत्ति स्थल है। नेक्स्ट है कुछ और जनरल अपने इंट्रोडक्शन जो इनकी पॉपुलर बातें हैं सिट्रस की, फिर अपने एक एक क्रॉप की बात करेंगे। सिट्रस फ्रूट इज आल्सो नोन एज माइक्रो न्यूट्रेंट लविंग प्लांट, यानी जो नींबू वर्गीय फल है उसको सूक्ष्म पोषक तत्व चाहने वाला फल वृक्ष कहा जाता है यानी माइक्रो न्यूट्रेंट लविंग प्लांट कहा जाता है। कहने का मतलब अगर इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है जहां पर इसको लगाया जाता है तो कोई कमी के लक्षण आपको दिखेंगे, फ्रूट क्वालिटी डाउन हो जाएगी, प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा, ज्यादा माइक्रोन्यूट्रेंट्स की नीड होती है इसको, इसलिए माइक्रोन्यूट्रेंट लविंग प्लांट कहा जाता है। भारत की नींबू वर्गीय फल उत्पादन में 6th रैंक है, इंडिया रैंक 6 इन द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जो सिट्रस प्रोडक्शन की रैंक है वो 6th स्थान पर है। उसके अलावा अगर अपने मेजर का प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो तो चाइना में होता है नींबू वर्गीय का, और मेजर जो सबसे ज्यादा जहाँ पे और भी देखने को मिलता है यूएसए, स्पेन, इजराइल, मोरक्को, साउथ अफ्रीका, जापान, ब्राजील, टर्की और क्यूबा आदि देशों में नींबू वर्गीय फलों को खूब डोमिनेंट रूप से लगाया जाता है। जैसे अपने यहाँ मैंगो लगता है वैसे यहाँ पे मुख्य फल नींबू वर्गीय फल लगता है। अब देख अगर अपने बात करें तो जो नींबू वर्गीय फल है
तो अगर उनके प्रोडक्शन की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है फलों के अंदर, यानी भारत में फलों के अंतर्गत सबसे ज्यादा उत्पादन होता है बनाना का। दूसरे नंबर पे किसका होता है? मैंगो का होता है। सबसे ज्यादा उत्पादन आम का, सॉरी केला का, और दूसरे नंबर पे किसका होता है? मैंगो यानी आम का। तीसरे नंबर पे जो होता है वो सिट्रस का होता है। तो इट इज ऑक्यूपाइड थर्ड पोजिशन आफ्टर मैंगो एंड बनाना इन द प्रोडक्शन, सॉरी बनाना एंड मैंगो लिखना था, क्योंकि पहले नंबर पे प्रोडक्शन में बनाना है, दूसरे नंबर पे मैंगो है, तीसरे नंबर पे सिट्रस, यानी भारत में फलों के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है बनाना, सेकंड मैंगो, और सिट्रस की पोजीशन है वो थर्ड है। अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा जो एरिया है वो है अपने भारत में मैंगो का, सबसे ज्यादा आपको एरिया मिलेगा मैंगो का, और दूसरे नंबर पे किसका मिलेगा? सिट्रस का, और तीसरे नंबर पे मिलेगा बनाना का। अब देखो सिट्रस एक अकेला फ्रूट तो नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें लाइम भी है, लेमन भी है, मैंडरिन भी है, स्वीट ऑरेंज भी है, यानी कहने का मतलब माल्टा है, संतरा है, नींबू है, तो ये भी फल है। अगर एक एक फल की बात करें तब तो क्षेत्रफल में पहले पे आम आएगा, दूसरे पे केला आएगा, फिर नींबू वर्गीय में कोई संतरा वगैरह आ जाएगा। लेकिन अगर अपने नींबू वर्गीय पूरे ग्रुप की बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आम का है, दूसरे नंबर पे नींबू वर्गीय फल सारों का मिला के यानी सिट्रस का है, तीसरे नंबर पे केला का है। तो ये थोड़ा सा एक स्टैटिक्स था भारत में फलों के उत्पादन के अंतर्गत, पहला स्थान बनाना का, दूसरा मैंगो का यानी पहला केले का, दूसरा आम का, और तीसरा सिट्रस यानी नींबू वर्गीय का। क्षेत्रफल में पहले नंबर पे मैंगो है, दूसरे नंबर पे सिट्रस है, और तीसरे नंबर पे बनाना है। नेक्स्ट अगर स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश है वो सिट्रस प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट है, यानी भारत में सबसे ज्यादा नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। उसके अलावा अगर अपने केक फ्रूट की बात करें तो संतरा उत्पादन, मैंडरिन उत्पादन में, संतरा उत्पादन में तो महाराष्ट्र है फर्स्ट। अगर हम बात करें लाइम और लेमन की, नींबू की है ना, लाइम और लेमन की बात करें तो आंध्र प्रदेश आगे है। अगर हम बात करें माल्टा की, तो माल्टा के जो प्रोडक्शन में वो पंजाब आगे है, माल्टा में पंजाब आगे है। और जो किन्नू है पर्टिकुलर है तो वो एक तरह से मैंडरिन ही, किन्नू के प्रोडक्शन में बात करें तो पंजाब आगे है। ऑल ओवर सिट्रस में बात करें तो आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है और दूसरा महाराष्ट्र का है। संतरा में महाराष्ट्र ही पहले नंबर पे है, अकेले संतरे की, मैंडरिन की बात की जाए, और लाइम और लेमन की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश है। ऑल ओवर में बात की जाए तो आंध्र प्रदेश है, और माल्टा की बात की जाए तो पंजाब है। जो सिट्रस है वो रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक, इट इज लोअर द बैड कोलेस्ट्रॉल। देखो नींबू वर्गीय क्या करता है, जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है उसको मिनिमाइज करता है, क्योंकि अब शरीर में जो बेकार का कोलेस्ट्रॉल होता है, जो जमाव करता है, उसको क्या करता है, ये कम करता है। सिट्रस पील आर रिच इन पेक्टिन, वैल्यूएबल इन द मेकिंग ऑफ जेली, मार्मलेड, कैंडी, जैम एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। देखो सिट्रस का जो छिलका होता है, नींबू वर्गीय फलों का जो छिलका होता है, वहां पे सफेद रंग का भाग होता है, वो पेक्टिन होता है, वो जेली बनाने के लिए, मार्मलेड बनाने के लिए, कैंडी बनाने के लिए, जैम बनाने के लिए, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उनके अंदर इसको यूटिलाइज किया जाता है, काम में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें ट्रेनिंग जो मेथड लेते हैं सभी नींबू वर्गीय में, मॉडिफाई सेंट्रल सिस्टम लिया जाता है, मॉडिफाई सेंट्रल लीडर सिस्टम बोलते हैं, लीडर सिस्टम, मॉडिफाई सेंट्रल लीडर सिस्टम काम में लेते हैं, रूपांतरित अगर प्रणाली। इसमें क्या है, पौधे को अगर आप ट्रेंड कर दोगे तो किस तरह से देखने को मिलेगा, सॉरी यहाँ देखिए आप, इस तरह का शेप होता है, इस तरह का पेड़ तैयार हो जाता है, इसको अपने मॉडिफाइड लीडर सिस्टम बोला जाता है, ताकि इसमें सनलाइट भी प्रॉपर आ जाती है, तना भी काफी मजबूत रह जाता है, और हवा का भी पास ठीक हो जाता है, तो ये पेड़ कुल मिला के अच्छा रहता है इस तरह का, और राउंड शेप में होता है देखने में, तो इसको मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम कहा जाता है। प्रूनिंग का टाइम है तो अधिकांश है वो फरवरी में किया जाता है, बाकी रीजन टू रीजन थोड़ा एडजस्ट होता है, आगे पीछे होता है। नेक्स्ट मैंडरिन आर द हाईली सेंसिटिव टू द वाटर लॉगिंग। देखो वैसे तो वाटर लॉगिंग यानी जल भराव के लिए सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव है, संवेदनशील पौधा है वो है पपाया। कौन सा है? पपाया है। पपाया के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो संवेदनशील है वो मैंडरिन बोले तो संतरा है, यानी इसके अंदर डैम्पिंग ऑफ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऑल सिट्रस आर पॉलीएम्ब्रेनिक इन नेचर, यानी सभी जो नींबू वर्गीय है वो बहुभुरणता स्वभाव के होते हैं। पॉलीएम्ब्रेनिक का मतलब क्या होता है? एक बीज के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण का पाया जाना, पॉलीएम्ब्रेनिक। तो सभी सिट्रस है वो पॉलीएम्ब्रेनिक है, लेकिन पोमिलो, हार्टी लाइम और सिट्रॉन तीन ऐसे नींबू वर्गीय फल है जो मोनोएम्ब्रेनिक यानी एकल भ्रूणीय ही होते हैं, इनके अंदर बहुभ्रूणता नहीं देखने को मिलती है। देखो नर्सरी जब इसकी लगाते हैं तो वहां वीड बहुत प्रॉब्लम रहती है, इसलिए ब्रोमोशील डालकर अपने क्या करते हैं, वीड कंट्रोल करते हैं। वीड आर द सीरियस प्रॉब्लम इन नर्सरी, ब्रोमोशील मोस्ट इफेक्टिव वीडिसाइड इन द कंट्रोलिंग ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट वीड,
यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों के बीजों के कंट्रोल तो सॉरी दोनों वीड यानी दोनों खरपतवार के नियंत्रण के लिए ब्रोमोशियल डाला जाता है। नेक्स्ट जो सिट्रस का क्लासिफिकेशन है वो दिया था स्विंगल और टंका जो साइंटिस्ट थे 1945 में दिया था इन्होंने। सिट्रस का जो क्लासिफिकेशन है वो स्विंगल और टंका दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1945 में सिट्रस क्लासिफिकेशन दिया था। नेक्स्ट है स्पेन है वो सबसे ज्यादा नींबू वर्गीय फलों का एक्सपोर्ट करता है। प्रोडक्शन तो चाइना में होता है लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा कौन करता है? स्पेन करता है। नेक्स्ट है देखो नींबू वर्गीय फलों में क्या होता है, फूल फल झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। फूल आते हैं तब क्या होता है पौधे के अंदर एब्सिसिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। एब्सिसिक एसिड बोले तो एबीए, एब्सिसिक एसिड का मतलब होता है एबीए। एबीए की मात्रा बढ़ जाती है तो फूल क्या होते हैं झड़ने लग जाते हैं, फूल व फल झड़ने लग जाते हैं। तो इन फूल व फलों को झड़ने से रोकने के लिए क्या करते हैं, या तो 10 ppm 2,4-D का छिड़काव करते हैं या फिर 20 ppm NA का छिड़काव किया जाता है जिससे फूल और फल यानी फ्लावर्स एंड फ्रूट ड्रॉप है वो चेक हो जाते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें लीडिंग कंट्री कौन सी है प्रोडक्शन के अंदर और लीडिंग स्टेट कौन सा है, और राजस्थान की अगर बात करें तो लीडिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। बाकी जिनको जो राजस्थान के स्टूडेंट नहीं है तो उनको ये सेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैंडरिन बोले तो संतरा, संतरा उत्पादन में जो अग्रणीय देश है वो है चाइना, लीडिंग कंट्री है वो चाइना, और लीडिंग स्टेट की बात करें तो कौन सा है महाराष्ट्र है, और लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर वो है झालावाड़। स्वीट ऑरेंज है यानी माल्टा है, इसमें ब्राजील है और सॉरी पहले मैंने आपको पंजाब बताया था, पंजाब नहीं आंध्र प्रदेश है। लीडिंग जो स्वीट ऑरेंज है उसमें जो लीडिंग स्टेट है यानी माल्टा के उत्पादन में जो लीडिंग स्टेट है वो भी आंध्र प्रदेश है, और राजस्थान में अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो श्रीगंगानगर है। और एसिड लाइम है खट्टा नींबू है, उसके उत्पादन में जो अग्रणीय देश है वो इंडिया है, लीडिंग कंट्री इंडिया है, और स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश है और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो भरतपुर है। लेमन के प्रोडक्शन में लीडिंग कंट्री इटली है, और लीडिंग स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, और लीडिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो भरतपुर है। ग्रेपफ्रूट और पोमिलो प्रोडक्शन में जो लीडिंग कंट्री है वो यूएसए है, इंडिया में और राजस्थान में इतना कमर्शियली ये पॉपुलर होते नहीं है इसलिए यहाँ पे डेटा मेंशन नहीं किया हुआ। नेक्स्ट है नींबू वर्गीय जो फल है उनमें जो खाद और उर्वरक यानी मैन्योर और फर्टिलाइजर दिए जाते हैं वो लगभग इक्वल से ही दिए जाते हैं, तो यहाँ पे अपने फर्टिलाइजर की बात की गई है। सबसे पहले अपने मैन्योर यानी FYM फार्म यार्ड मैन्योर यानी गोबर की खाद किस तरह से अप्लाई करते हैं। देखो जब तक एक साल का पौधा होता है तब तक अपने 20 किलो प्रति पौधा देते हैं, 2 साल का हो जाता है तब अपने क्या करेंगे 10 किलो प्रति पौधा दे देंगे, 3 साल का हो जाता है पहले साल अपने को थोड़ा ज्यादा देना होता है, 3 साल का हो जाता है फिर 15 किलो, फिर अपने वापस बढ़ाना शुरू कर देंगे। 4 साल का होता है तो प्रति पौधा 20 किलो देना चाहिए, 5 साल का होता है तो 25 किलो देना चाहिए, 6 साल का पौधा होता है तो 30 किलो गोबर की खाद यानी फार्म यार्ड मैन्योर प्रति पौधा देना चाहिए, और जब 7 साल या इससे ज्यादा का पौधा होता है तब आगे आगे आप 40 किलो प्रति पौधा देते जाइए। अब नेक्स्ट अपने बात करें नाइट्रोजन की यानी फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, तो फर्टिलाइजर्स देने के लिए अपने कितने ग्राम पर पौधे को दिया जाता है, जो मैन्योर था वो किलो में था, यहाँ पे जो पोषक तत्व है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास वो ग्राम के अंदर है। 1 साल का पौधा होता है तो नाइट्रोजन उसको चाहिए 100 किलो प्रति पौधा, 2 साल का होता है तो 200 ग्राम सॉरी 100 एक साल का होता है तो 100 ग्राम प्रति पौधा, 2 साल का होता है तो 200 ग्राम प्रति पौधा, 3 साल का होता है तो 300 ग्राम प्रति पौधा, 4 साल का होता है तो 400 ग्राम प्रति पौधा, 5 साल का होता है तो 450 ग्राम प्रति पौधा, 6 साल या इससे ज्यादा की उम्र का है कितनी भी उम्र का है तो 500 ग्राम प्रति पौधा अपने को नाइट्रोजन देना चाहिए। फॉस्फोरस की बात करें ये सभी नींबू वर्गीय के लिए कॉमन है। फास्फोरस की बात करें तो 1 साल का जब पौधा होता है तो 50 ग्राम प्रति पौधा, 2 साल का होता है तो 100 ग्राम, 3 साल का होता है तो 150 ग्राम, 4 साल का होता है तो 200 ग्राम, 5 साल का होता है तो भी 200 ग्राम, 6 साल या इससे ज्यादा वर्ष का होता है तो 250 ग्राम प्रति पौधा अपने को देना चाहिए। अगर बात की जाए पोटास की तो 1 साल के पौधे को 25 ग्राम, 2 साल के पौधे को 50 ग्राम, 3 साल के पौधे को 75 ग्राम, 4 साल के पौधे को 200 ग्राम, 5 साल के पौधे को 200 ग्राम, और 6 साल या इससे ज्यादा पौधे को 250 ग्राम, ये प्रति पौधा पर साल देने वाले पोषक तत्वों की मात्रा है। अगर अपने बात करें जिंक सल्फेट तो जिंक सल्फेट 1 साल का पौधा होता है उसको 25 ग्राम, 2 साल का होता है उसको 25 ग्राम, 3 साल का होता है उसको 50 ग्राम, 4 साल का 50 ग्राम, 5 साल का 100 ग्राम, और 6 साल या इससे ज्यादा साल का होता है तो 150 ग्राम। फेरस सल्फेट की बात करें आयरन सल्फेट की बात करें तो 1 साल के को 25 ग्राम, 2 साल के को भी 25 ग्राम, 3 साल के 50 ग्राम, 4 साल के 50 ग्राम, 5 साल के 100 ग्राम, और 6 साल या इससे ज्यादा 150 ग्राम प्रति पौधा फेरस सल्फेट देना चाहिए। मैग्नीज सल्फेट की बात करें तो 1-2 साल का पौधा होता है तब 25 ग्राम प्रति पौधा, 2
सॉरी 3 और 4 साल का पौधा होता है तो 50 ग्राम प्रति पौधा, 5 साल का होता है तो 100 ग्राम प्रति पौधा, और 6 साल या इससे ज्यादा साल का होता है तो 150 ग्राम प्रति पौधा अपने को मैग्नीज सल्फेट देना चाहिए। तो ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की क्वांटिटी है, यानी खाद और उर्वरक देने की मात्रा है। नेक्स्ट अपने बात करें नींबू वर्गीय फलों के अंदर TSS की मात्रा, एसिड के प्रतिशत की मात्रा, जूस का प्रतिशत कितना होता है और TSS एसिड रेशियो क्या होता है। TSS एसिड रेशियो का मतलब अपने ये समझ लो शर्करा और अम्ल का अनुपात, शर्करा और अम्ल का अनुपात। TSS एसिड रेशियो को हिंदी में बोलेंगे शर्करा अम्ल अनुपात। TSS को बोलते हैं टोटल सोल्यूबल सॉलिड कुल घुलनशील ठोस, यानी लगभग अपने को चीनी की मात्रा पता चलती है इससे। एसिड परसेंटेज का मतलब अम्लता प्रतिशत, जूस कंटेंट का मतलब रस का प्रतिशत। सबसे पहले अपने लाइम और लेमन की बात करें तो इनमें जो TSS होता है वो लगभग 6% के आसपास होता है। लाइम में TSS 6%, अम्लता 0.5%, यानी 0.50%, जूस का प्रतिशत होता है 35 से 50% तक। लेमन की बात करें तो TSS 6% के आसपास, अम्लता 0.5% के आसपास, और जूस का जो प्रतिशत होता है वो 25 से 30% होता है। नेक्स्ट है मैंड्रीन। मैंड्रीन के अंदर TSS होता है 10 से 12 डिग्री ब्रिक्स, अम्लता होती है वो 0.40%, यानी 0.40%, जूस का प्रतिशत होता है 45%, और शर्करा अम्ल अनुपात यानी TSS एसिड रेश होता है 8:1। स्वीट ऑरेंज यानी माल्टा में जो TSS होता है 10 से 12 डिग्री ब्रिक्स, और जो एसिड होता है वो 0.35% होता है, 0.35% होता है, और रस की मात्रा 33 से 45%, और TSS एसिड रेशियो होता है वो 8:1 होता है। सबसे ज्यादा जो TSS एसिड रेशियो होता है वो मौसम्बी का होता है। मौसम्बी बोले तो एक माल्टा की किस्म है, उसके अंदर जो TSS एसिड रेशियो होता है वो 30:1 होता है, इसलिए मौसम्बी सबसे ज्यादा जूस बनाने के काम में ली जाती है। नेक्स्ट अपने जो वीडियो होगा सिट्रस का सेकंड पार्ट, उसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे लाइम और लेमन। थैंक यू।